दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप स्पीड पोस्ट के द्वारा हाईटेक वोटर आईडी कार्ड कम समय में, बहुत ही कम समय में अपने घर पे मंगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यानी दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप नया वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं या फिर आप वोटर आईडी कार्ड में कुछ बदलाव किए हैं, अभी तक आपका वोटर आईडी कार्ड जो पीवीसी कार्ड वाला होता है वह आपके घर तक नहीं पहुँचा है, तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपना वोटर आईडी कार्ड को अपने घर तक मंगा सकते हैं बहुत ही कम समय में। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी यहां पर बताई गई है। सबसे पहले मैं आपको दिखला दूं कि यह वोटर आईडी कार्ड आपको यहां पर कुछ इस तरह से आएगा। यहां पर ये यहां पर रहेगा स्पीड पोस्ट आईडी, यहां पर आपका ट्रैकिंग आईडी यहां पर शो करता है। इसमें दोस्तों आपको यहां पर वोटर आईडी मिलता है, स्पीड पोस्ट के द्वारा आता है हाईटेक वोटर आईडी कार्ड, जो कुछ इस तरह से प्लास्टिक कार्ड आता है, ये कार्ड आपको यहां पर मिलने वाला है। अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हैं तो पूरा यह प्रोसेस में आपको जो बताने वाला वो प्रोसेस कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए कि कैसे मैंने किया है, उसके बाद अप्लाई कीजिए, आपको जरूर से जरूर आपका घर तक ये बाय पोस्ट आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ऑनलाइन प्रोसेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप यहां पर आ सकते हैं। आपका यहां पर दोस्तों अगर आपका आईडी पासवर्ड नहीं बना है तो यहां पर आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके अपना यहां पर आईडी पासवर्ड बनाना है। उसके बाद यहां पर अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो बनाया था वो पासवर्ड और ये कैप्चा जो दिया गया है ये कैप्चा यहां पर फिलअप करके लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहां पर सारा डिटेल को फिल कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। तो हमें इस ऑप्शन पर से ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन दिख रहा है इस सेकेंड वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर लेट स्टार्ट का एक ऑप्शन आएगा, लेट स्टार्ट वाले पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास वोटर आईडी है या नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो नो वाले पर क्लिक करेंगे, हमारे पास है तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर वोटर आईडी नंबर डालना है, वोटर आईडी नंबर डाल करके फैच डिटेल पर आपको क्लिक कर लेना है। अब नीचे दिए गए प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है, आपका यहाँ पर पूरा डिटेल आ जाएगा जो आपका सही रहेगा डिटेल। अगर आपका यहाँ पर गलत डिटेल है तो आपका वोटर आईडी नंबर गलत है, एक बार वेरीफाई कर लीजिए। मेरा यहाँ पर सारा डिटेल सही है तो सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा सा वेट लेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक नया ऑप्शन खुल गया है। अब इसमें से यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहा है तो आपको यहाँ पर चारों में से ये जो तीसरा नंबर ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड को घर पे मंगाना था, हमें यहाँ पर रिप्लेस ईपिक कार्ड विदाउट करेक्शन में क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपका वोटर आईडी कार्ड, इससे पहले दोस्तों आपसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है और सबमिट करना है। जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक किया है, हमारे नंबर पर यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ पर ओटीपी को पुट करेंगे। ओटीपी पुट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे एक सबमिट का बटन दिख जाएगा, वेरीफाई का, इस वेरीफाई वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपका जो कार्ड है वो भूला है या फिर टूट गया है या फिर क्या हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर दोस्तों इसे हम यहाँ पर लॉस्ट पर क्लिक करते हैं तो नीचे आइएगा तो नीचे आपको यहाँ पर FIR कॉपी यहाँ पर आपको अटैच करना पड़ेगा, यानी FIR का रिपोर्ट यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर बाय पोस्ट घर पे मंगाना है तो हम यहाँ पर डिस्ट्रॉय वाले को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये मेरा कार्ड टूट गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे यहाँ पर यस वाले पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर को फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको आई एग्री वाले पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर अगर आप आधार नंबर देते हैं तो नीचे वाले में कुछ भी नहीं करना है। नीचे आपको यहाँ पर वोटर आईडी रिप्लेसमेंट से संबंधित कुछ आपको जानकारी लिखनी है, जैसे आपको यहाँ पर लिख लेना है कि सर मेरा यहाँ पर कार्ड टूट गया है, मैं अपना कार्ड दोबारा घर पर मंगाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप इसे सेंड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर कुछ टाइप करूँगा, सेंड करने ऊपर मैं क्लिक कर लूँगा।
अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। जितना भी डिटेल आपने फिल किया है यहाँ पर पूरा डिटेल आपको शो कर जाएगा। नीचे कुछ भी आपको नहीं करना है, नीचे आना है। अगर आपका सारा चीज़ सही है तो यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अभी आपसे दोस्तों आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। ये रेफरेंस नंबर आपको मैसेज में भी आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा ये रेफरेंस नंबर शो कर रहा है, तो हम इसे स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे ताकि मेरा फ्यूचर में काम करे। ये तो हमारा इतना सारा कुछ हो गया। अब इसका स्टेटस कैसे चेक करना है, चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारा स्टेटस के दौरान क्या आ रहा है, क्या मेरा वोटर आईडी कार्ड का स्थिति है, कब तक मेरा घर पे पहुँच जाएगा, इसके बारे में हम चलिए जान लेते हैं। इसके लिए दोस्तों फिर से आपको होम पर आपको क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रैक स्टेटस का यहाँ पर ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर नीचे ट्रैक योर स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। इससे पहले आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर जो मिला था वो रेफरेंस नंबर को पुट कर लेना है। ट्रैक योर स्टेटस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये सबमिट हो चुका है। BLO के पास अपॉइंट होगा, फील्ड वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आपका 100% है कि ये आपका घर तक बाय पोस्ट आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपना बाय पोस्ट घर पे यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से मात्र 14 से 15 दिन के अंदर में आप अपना घर पे मंगा सकते हैं। यही थी छोटी सी अपडेट इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।